मुक्ता, ये रही तेरी पगार। शुक्रिया मेम साहब। अरे गिन तो लो ही ने। इसमें गिनना क्या है मेम साहब, आपने दिए हैं तो पूरे ही पैसे दिए होंगे ना। वैसे भी मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि मैं इनको गिन पाऊँ। अच्छा तुम पढ़ी लिखी नहीं हो तो लाओ एक काम करती हूँ, मैं गिन देती हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हें तो पता ही है ना तुम्हारे साहब का, अगर पैसे ज्यादा दे दिए तो फिर मुझे सुनाएंगे। ये देखो 4,000 फालतू जा रहे तुम्हारी तरफ। अच्छा हुआ मैंने गिन लिए, लो पकड़ो अभी। अच्छा ही हुआ ना मैम साहब आपने गिन लिए, नहीं तो साहब आपको खामखाई डांटते। अच्छा चलो ठीक है, तुम घर का सारा काम खत्म कर लो और वो जो टेलर भैया ना उनके पास मेरा सूट पड़ा है वो उठा कर ले आना काम खत्म करके। मैम साहब काम तो मेरा सारा खत्म हो गया है, मैं एक काम करती हूँ पहले आपका सूट ला देती हूँ फिर मैं घर चली जाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, ये लो ये पैसे पकड़ो और याद रखना बदले में वो 3 नोट देंगे तो याद से लेकर आना। 3 नोट? हाँ 3 नोट, जाओ जल्दी जाओ। ठीक है मैम साहब। अरे मुक्ता कहाँ जा रही हो तुम? वो साहब मेम साहब ने ना टेलर को कपड़े दिए थे कुछ, तो बस टेलर तक ही जा रही हूँ। और ये तुम्हारे हाथ में कौन से पैसे हैं? ये तो मेरी तनख्वाह है साहब, आपने तो दी थी मैडम को मुझे देने के लिए। अच्छा लेकिन ये पैसे देखने में तो कम लग रहे हैं, कितने पैसे दिए उसने? साहब ये कम कैसे हो सकते हैं, पूरे 10,000 रुपए हैं, मेम साहब ने खुद गिन के दिए हैं। अच्छा ये पैसे तो मुझे कम लग रहे हैं, एक बार दिखाओ ना मुझे। अरे ये तो पूरे 6,000 रुपए हैं, बाकी के 4,000 रुपए किधर हैं? नहीं साहब पूरे ये 10,000 रुपए हैं, आपसे गिनने में कोई गलती हुई होगी, दोबारा गिन के देखो। अरे मेरे से कोई गलती नहीं हुई है, ये पूरे 6,000 रुपए हैं, बाकी के 4,000 रुपए कहाँ हैं? हाँ साहब मेम साहब ने ना इसमें से 4,000 रुपए निकाल लिए थे और कह रही थी आपने ज्यादा दे दिए, पर साहब मेम साहब ऐसा क्यों करेंगे? अरे पर वो 4,000 रुपए क्यों निकालेगी? तुम एक काम करो तुम मेरे साथ अंदर चलो। मुस्कान 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 क्या हुआ चिल्ला क्यों रहे हो? ये बताओ कितने पैसे दिए तुमने इनको? कितने पैसे क्या दिए, जितने पैसे तुमने मुझे दिए थे उतने पैसे दिए मैंने इसको। मैंने तुमको पूरे 10,000 रुपए दिए थे, तुमने इनको कितना दिया? मैंने इसे पूरे 10,000 रुपए दिए। क्यों झूठ बोल रही मुस्कान, इसके पास सिर्फ 6,000 रुपए मिले हैं, बाकी 4,000 रुपए किधर हैं? क्या इसने 4,000 रुपए खो दिए? अरे मुक्ता वो तुम्हारी मेहनत की कमाई थी, तुम ऐसे कैसे 4,000 रुपए खो सकती हो? तुम्हें पता भी है कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं पैसे, अब तुमने ये पैसे खो दिए, अब तो ये मेरे पे इल्जाम लगा देगी ना कि मालकिन ने खो दिए पैसे। अरे सम्राट मैं तो कहती हूँ इससे काम होगा ही नहीं, इसे निकाल देते काम से, कितनी कामचोर है लापरवाह कहीं की। चुप करो मुस्कान, मुझे पता है तुमने इनको सिर्फ 6,000 रुपए दिया है, 10,000 के नाम पे 4,000 रुपए तुमने खुद रख लिए। देखो मुस्कान मैं तुम पर कोई शक नहीं करता, मैंने जो अपनी आंखों से देखा है बस मैं वही कह रहा हूँ, और जस्ट अभी मैंने इनको बाहर जाते हुए देखा, इनके हाथों में मात्र सिर्फ 6,000 रुपए थे, और इतना जल्दी कोई 4,000 रुपए कैसे हजम कर सकता है? मैंने इसके हाथ में सिर्फ 6,000 रुपए देखा और वो पैसे मैं लेकर तुम्हारे सामने आ गया जो कि मेरे हाथ में है। अब तुम ये बताओ कि तुमने 4,000 रुपए इससे क्यों छुपाए? मेम साहब आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? आपने तो 4,000 रुपए निकाले थे इसमें से और बोला था कि साहब ने ज़्यादा दे दिए, और आप मेम साहब आप मुझे अब नौकरी से निकालने की बात कर रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो मेम साहब? मुझे नौकरी से मत निकालो मेम साहब। मेम साहब मैंने पूरी सोसाइटी का काम छोड़ दिया साहब के कहने से, कि साहब ने बोला था कि महीने के एंड में मुझे 10,000 रुपये देंगे, और पता है मेम साहब मेरी मम्मी बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत थी। मेम साहब आपको पता है ना मैं कितनी मजबूरियों से गुजर रही हूँ, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा किया। माना मेम साहब कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे साथ ऐसा करोगे। मैंने तो मेम साहब आपको पैसे गिनने के लिए दिए थे पर आपने ही मेरा विश्वास तोड़ दिया। मेम साहब मैं अब आप पे कभी विश्वास नहीं कर पाऊँगी, मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे निकलोगे। देखो सम्राट मैं मानती हूँ मेरी गलती है, पर मैं क्या ही करती, तुम्हें तो पता है ना घर का खर्चा कैसे चल रहा है, घर में कितनी तंगी आ चुकी है, बच्चों का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, घर का रेंट भरना, मैं कैसे सब कुछ मैनेज करती, तो बस मैंने सोचा इसके सैलरी में से 4,000 रुपये काट लूँगी, इसे क्या ही पता चलेगा, बस इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। ये जो तुम कर रही हो ये तरीका सही है पैसा बचाने का,
अरे यार, ये उसकी मेहनत के पैसे हैं, उसने काम किया है उसके बदले में। और मैं मानता हूँ कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, उसको पैसे गिनने नहीं आते, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम उसके पैसे काट लोगी, नहीं ना। अरे तुमको पैसे बचाना ही है तो तुम अपने मेकअप के पैसे बचाओ, इधर उधर जो घूमने जाती हो, शॉपिंग करने जाती हो, इसका पैसे बचाओ। तुम एक्स्ट्रा कपड़े खरीद के लेके आओ, तो पूरी अलमारी भरी पड़ी कपड़े से, फिर भी तुमको कपड़े चाहिए। इन सब चीज़ों से पैसे बचाना चाहिए ना, ना कि इसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाना चाहिए तुम्हें। मुस्कान सम्राट, मैं तुम्हारी सारी बातें समझ गई हूँ। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आई प्रॉमिस। और मुक्ता, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, और आगे से मैं कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगी। तुम्हारे जितने पैसे हैं उतने ही पैसे तुम्हें दूंगी, पर कभी भी विश्वास मत उठाना मुझसे, मेरी मजबूरी थी, तुम समझ सकती हो ना। माफ़ कर दोगी ना अपनी मालकिन को? कोई बात नहीं मेम साहब, मैं समझती हूँ आपकी भी कोई मजबूरी रही होगी, पर मेम साहब एक बात बोलूँ, कभी किसी गरीब का पैसा मत मारना, क्योंकि गरीब की हाय बहुत बुरी होती है। देखो मुस्कान, सॉरी से काम नहीं चलने वाला है। तुमने जो 4000 रुपए इसके काट लिए ना, वो 4000 रुपए लाके दो तुरंत अभी। हाँ अभी जाती हूँ, ये लो मुक्ता के 4000। मुक्ता ये लो तुम्हारी पूरी सैलरी, और अपनी माँ का अच्छे से इलाज करा लेना, ठीक है?